नमस्कार, मैं हूँ उत्सवी पांडे और आप देख रहे हैं राजनामा। मध्य प्रदेश के जिले धार में भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के खिलाफ याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट अब इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश के धार जिले में मध्यकालीन युग की संरचना भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के खिलाफ याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार किया और सहमति जताई। इस भोजशाला पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही पक्षों का दावा है। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 11 मार्च के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें मंदिर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया था ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये किस समुदाय का है। अपने 11 मार्च के आदेश में उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 6 सप्ताह के भीतर भोजशाला परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। इसके बाद आज ASI ने कोर्ट में 2000 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कई खुलासे किए गए। ये भी बताया जा रहा है कि खुदाई में मूर्तियां भी मिली हैं। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और SVN भट्टी की पीठ ने हिंदू याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील विष्णु शंकर जैन द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की कि ASI ने पहले ही अपनी रिपोर्ट दायर कर दी है। उन्होंने पीठ को यह भी बताया कि हिंदू पक्ष ने लंबित याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। 7 अप्रैल 2003 को ASI द्वारा तैयार की गई व्यवस्था के तहत हिंदू पक्ष मंगलवार को भोजशाला परिसर में पूजा करते हैं, जबकि मुस्लिम शुक्रवार को परिसर में नमाज अदा करते हैं। 1 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने ASI द्वारा संरक्षित 11वीं सदी के स्मारक भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने के इनकार कर दिया। हिंदू भोजशाला को वाग देवी, देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं। इसी तरीके से फिर से एक बार एक जगह को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय में वाद विवाद नज़र आ रहा है, जिस पर दोनों का ही दावा है। अब देखने वाली बात यह है कि सच किस प्रकार से सामने आता है। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए राजनामा।